हेलो एवरीवन वेलकम टू क्लासेस विद पूनम टुडे विल डू सिक्स चैप्टर ऑफ क्लास नाइन्थ एन सी इंग्लिश बुक बी हाइव द नेम ऑफ द चैप्टर इज माय चाइल्डहुड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ आवर कंट्री हु इज पॉपुलरली नोन एज मिजाइल मैन ऑफ इंडिया दैट इज नन अदर देन डॉक्टर ए पीजे अब्दुल कलाम एज द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज सेंग माई चाइल्डहुड सो इन दिस चैप्टर विल डिस्कस अबाउट द चाइल्डहुड ऑफ डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम मीन्स कहाँ पर उनका बर्थ हुआ उनके पेरेंट्स का फैमिली बैकग्राउंड क्या था देन कहाँ पर उनकी एलिमेंट्री एजुकेशन स्टार्ट हुई उनके बचपन में कौन कौन से उनके फ्रेंड्स थे एंड देन कौन कौन से ऐसे वर्च्यूज कौन कौन से ऐसे गुण थे जो अब्दुल कलाम जी को बचपन से ही अपने पेरेंट्स से मिले और होल लाइफ उन्होंने उनको रिमेन रखा सो ऑल दिस थिंग्स विल डिस्कस इन द चैप्टर सो लेट स्टार्ट द चैप्टर विद द सेक्शन बिफोर यू रीड कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव हुन स्टेट्स मैन क्या आप किसी ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं जो स्टेट्स मैन भी रहे हों स्टेट्स मैन का मीनिंग है एक ऐसा पर्सन जो पॉलिटिक्स से रिलेट करता हो सो क्या आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में जानते हैं जो साइंटिस्ट भी रहे हों और पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड रहे हों यस दैट इज एपीजे अब्दुल कलाम वो हमारी कंट्री के ग्रेट साइंटिस्ट थे दैट वाई ही वॉज नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और फिर लेटर जो है वो हमारी कंट्री के इलेवेंथ प्रेजिडेंट भी बने ए पी जे अब्दुल कलाम हुज प्रोजेक्ट्स इन स्पेस डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गाइडेड इंडिया इंटू द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी बीकेम आर इलेवंथ प्रेजिडेंट इन टू थाउजेंड टू डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम जी ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर वर्क किया और उनके प्रोजेक्ट्स से साइंस डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और अपने प्रोजेक्ट्स के वर्क के बाद उन्होंने इंडिया को गाइड किया कि ट्वेंटी फ़र्स्ट सेंचुरी में कैसा इंडिया होगा मीन्स किन किन एरियाज़ पर इंडिया को वर्क करना चाहिए ताकि वो अपनी कंट्री को डिवेलप कंट्रीज़ की जो रेस है उनमें शामिल कर सके और लेटर 2002 में वो हमारी कंट्री के 11th प्रेसिडेंट बने इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड ऑटोबायोग्राफी का मीनिंग होता है जब कोई पर्सन खुद की लाइफ के बारे में खुद ही लिखता है ओके तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का नेम है विंग्स ऑफ फायर और अपनी ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में ही लिखा हुआ है और ये जो चैप्टर है वो उनकी ऑटोबायोग्राफी का ही एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है मींस इस चैप्टर में स्पेशली स्पेशली हम जो है उनके चाइल्डहुड के बारे में ही पढ़ेंगे सो लेट स्टार्ट द मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर आई वाज बोर्न इनटू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन रेस्ट वाइल मद्रास रेस्ट वाइल का मीनिंग होता है फॉर्मर वो अपने बर्थ के बारे में बताते हैं कि उनका जन्म जो है एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में रामेश्वरम नाम के एक छोटे से आइलैंड पर हुआ जो कि भूतपूर्व मद्रास का ही एक पार्ट था ओके okay? My father, Janul Abdin, had neither much formal education ल्थ डिस्पाइट दीज डिस ही प्रोजेस्ट ग्रेट इनेट विजडम एंड ट्रो जेनर्सिटी ऑफ स्पिरिट वो कहते हैं कि मेरे फादर जैन आब्दीन जो ना तो ज्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही उनके पास ज्यादा वेल्थ थी लेकिन इन डिसवेंटेजेस के होते हुए भी उनके पास ग्रेट इनेट इनेट मतलब इन बोन जो जन से ही जो क्वालिटीज हमारे अंदर हो उनके अंदर ग्रेट इनेट विजडम थी और ट्रू जेनर्सिटी ऑफ स्पिरिट थी मीन्स सच्ची उदारता की भावना थी ही हैड एन आइडियल हेल्प मेट इन माई माय मदर आशी अम्मा और मेरी मदर के रूप में मेरी मदर आशी अम्मा के रूप में उनके पास एक आइडियल हेल्प मेट थी मींस जो हर एक चीज़ में उनकी हेल्प करती थी आइडियल इन द सेंस कि जैसा वो चाहते थे मींस जैसे वो काइंड हार्टेड थे वैसे ही काइंड हार्टेड उनकी मदर भी थी जैसे काइंड हार्टेड उनके फादर थे वैसे ही काइंड हार्टेड उनकी मदर भी थी दोनों ही जो है नीडी लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प किया करते थे I do not recall the exact number of the people she fed every day but I'm quite certain that far more outsider ate with us than all the members of our family put together वो क्या कहते हैं कि मुझे पक्के से याद नहीं है कि कितने लोगों को वो हर रोज खाना खिलाती थी लेकिन अगर हमारी फैमिली के सभी मेंबर्स को मिला लिया जाए तो उन सब लोगों से ज्यादा लोग आउटसाइडर हमारी फैमिली में हर रोज़ खाना खाते थे हमारी फैमिली के साथ हर रोज़ खाना खाते थे मीन्स रामेश्वरम पर रहने वाले ऐसा लोग जो फ़ूड को भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे और बाहर से आने वाले भी ऐसे लोग जिनको फूड की नीड होती थी उन सबको आशि अम्मा अपनी फैमिली के साथ ही खाना खिलाती थी सो शी वॉज़ रियली अ काइंड हार्टेड पर्सन I was of many children, one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. अब ऊपर वाले पैरा में उन्होंने अपने पेरेंट्स की इनर क्वालिटीज़ के बारे में बताया यहाँ पर वो अपने पेरेंट्स की फिजिक के बारे में बता रहे हैं कि उनके जो पेरेंट्स थे वो बहुत ही टॉल एंड हैंडसम थे और वो जो है अपनी फैमिली के बहुत सारे बच्चों में से एक बच्चे थे जो कि बहुत ही शॉर्ट हाइटेड और एक साधारण से लुक वाले थे मीन्स यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहे हैं कि उनके पेरेंट्स तो बहुत टॉल एंड हैंडसम थे लेकिन वो उनके पेरेंट्स के जैसे नहीं थे एक शॉर्ट हाइटेड से एक साधारण से लुक वाले बच्चे थे जैसा कि हमने देखा भी है वी लिव इन आर एनसेस्ट्रल हाउस विच वॉज बिल्ट इन मिडल ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी हम अपने एंसेस्ट्रल, एंसेस्ट्रल मतलब पूर्वज हम अपने पूर्वजों के घर में रहते थे जो कि नाइनटीन सेंचुरी के मिड में बनाया गया था मीन्स नियर अबाउट एटीन में उनका घर बनाया गया था इट वॉज फेयरली लार्ज पक्का हाउस ये एक बहुत बड़ा और पक्का हाउस था मेड ऑफ लाइम स्टीन एंड ब्रिक्स जो कि चूने और ईंटों से बना हुआ था ऑन द मोस्ट स्ट्रीट इन रामेश्वरम जो कि रामेश्वरम की, की मस्जिद वाली गली में था माई ओस्टो फादर यूज़ टू अवॉइड ऑल द इन असेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज ओस्टो का मीनिंग होता है सिंपल स्ट्रिक्ट सिवियर जो अपने रूल्स को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है वो कहते हैं कि मेरे सिंपल से फादर हमेशा अवॉइड करते थे लाइफ की इन इनअसेंशियल कम्फर्ट्स और लग्जरीज को मीन्स जो चीज़ें नेसेसरी हैं वो उन्होंने अपने बच्चों को प्रोवाइड की लेकिन जो चीज़ें नेसेसरी नहीं हैं लाइक कि भाई अपने बच्चों को बिना बात के पैसे दे दिए कि भाई हाँ चलो तुम लोग जो चाहो जैसे चाहो इनको यूज़ करो ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया जो नेसेसिटीज़ थी उनको पूरी तरह से उन्होंने पूरा किया लेकिन इन इनअसेंशियल जो चीज़ें थी जिन चीज़ों की लाइफ में ज़रूरत नहीं थी वो चीज़ें उन्होंने कभी अपने बच्चों को नहीं दी ना ही कभी अपनी लाइफ में उन्होंने उस चीज़ को गेन किया हमेशा उन जो को वो अवॉइड करते थे हाउ एवर ऑल द नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर लेकिन जितनी भी नेसेसिटीज हैं लाइफ के लिए वो सारी प्रोवाइड की गई थी जैसे कि फूड मेडिसिन क्लॉथ एजुकेशन हाउस एवरीथिंग थिंग प्रोवाइडेड टू देयर चिल्ड्रन बट अनएसेंशियल चीज़ें जो होती थी वो कभी नहीं उनको दी गई इनफैक्ट आई वुड से माइंड वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बहुत मटेरियली एंड इमोशनली वो कहते हैं कि इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो बचपन था वो बहुत ही सिक्योर बचपन था क्योंकि मुझे आउटसाइडर चीज़ें यानी कि जैसे फूड हैं क्लोथ हैं मेडिसिन हैं एजुकेशन है वो सभी भी मिली और इमोशनली थिंग्स भी मिली अपने पेरेंट्स से यानी कि जो उनके पेरेंट्स के जो गुण थे सादा जीवन जीना और बहुत अच्छे विचार रखना नीडी लोगों की हेल्प करना ये सारे गुण भी मिले और बाकी जो लाइफ की नेसेसरी चीज़ें होती हैं वो भी मिली मीन्स उनका बचपन बहुत ही सिक्योर बचपन था द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन नाइनटीन थर्टी नाइन नाइनटीन थर्टी नाइन में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया वेन आई वॉज एट ईयर्स ओल्ड और उस टाइम पर अब्दुल कलाम एट ईयर्स के थे फॉर रीजन आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड फॉर टेमरिड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट किसी वजह से जिसको मैं कभी नहीं समझ पाया अचानक से मार्केट में इमली के बीजों की डिमांड हो गई मीन्स अचानक से सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही स्टार्ट हुआ मार्केट में इमली के बीजों की डिमांड हो गई जिस चीज़ को वो कभी नहीं समझ पाए कि भाई ऐसा क्यों था आखिर वोर में इमली के बीजों की क्या नीड थी आई यूज़ टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन द मॉस्क स्ट्रीट मैं जो है इमली के बीजों को इकट्ठा करता था और फिर उन्हें जो है बाजार में जो किरायाने की दुकान थी उस पर बेच दिया करता था डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ वन आना और पूरे दिन का जो कलेक्शन होता था मीन्स पूरा दिन वो जो इमली के बीजों को इकट्ठा करते थे इससे उन्हें प्रिंसली प्रेंस, सम प्रिंसली मतलब राजशाही यानी कि जैसा कि प्रिंस फील करते हैं वैसा वो फील करते थे उन्हें जो है प्रिंसली एक आना मिलता था और उस आने को वो जो है बहुत बड़ी अमाउंट मानते थे माई ब्रदर इन लो जलालुद्दीन वुड टेल मी द स्टोरीज अबाउट द वॉर विच आई वुड लेटर अटेम्प्टू ट्रेस इन द हेडलाइन ऑफ दीन दीन मनी वो क्या कहते हैं कि मेरे ब्रदर इन लो मीन्स उनकी सिस्टर के हस्बैंड जलालुद्दीन मुझे युद्ध की कहानियाँ सुनाया करते थे जिनको वो बाद में दीन मनी दीन मनी जो है रामेश्वरम का एक लोकल न्यूज़पेपर था जिनको वो बाद में दीन मनी अखबार में जो है ढूँढने की कोशिश किया करते थे कि भाई वो जो कहानियाँ जलालुद्दीन उनको सुना रहे हैं वो कहानियाँ न्यूज़पेपर में कहाँ पर उनको मिलेगी बट सुन आर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वोर उनका एरिया क्योंकि बहुत ही आइसोलेटेड था आइलैंड आइसोलेटेड ही होते हैं उनका एरिया आइसोलेटेड था इसीलिए वोर से पूरी तरह से अनअफेक्टेड था बट सोन इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द अलाइड फोर्सेज एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड लेकिन जल्दी ही इंडिया को फोर्स किया गया कि वो जो है अलाइड फोर्सेज अलाइड फोर्सेज मीन्स यूके यूएसए और रशिया की जो आर्मीज थी उनको ज्वाइन करने के लिए इंडिया को फोर्स किया गया और फिर जो है स्टेट में एमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया गया द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट रामेश्वरम स्टेशन जो पहली कैजुअलिटी वहाँ पर आई यानी कि पहला जो आघात हुआ वो ये था कि रामेश्वरम स्टेशन पर गाड़ी का रुकना बंद कर दिया गया था मीन्स रामेश्वरम स्टेशन पर जो रेलगाड़ी रुकती थी जो रामेश्वरम में नेसेसरी चीज़ों को पहुंचाती थी उस रेलगाड़ी को वहां पर रुकना बंद कर दिया गया था बिकॉज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर The newspaper now had to bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram Road between the Rameshwaram and Danushkari. और फिर क्या किया जाता था क्योंकि ट्रेन तो वहाँ पर रुकते ही नहीं थी इसीलिए जो न्यूज़ थे उनको बंडल्स में बांध दिया जाता था और रामेश्वरम और धनुष खोड़ी के बीच रामेश्वरम के लिए जो रोड जाता था लाइक यहाँ पर रामेश्वरम है यहाँ पर धनुष खोड़ी है और यहाँ पर ये वाला रोड जो है रामेश्वरम के लिए जा रहा है तो इस रोड पर न्यूज़पेपर के बंडल्स को फेंक दिया जाता था ओके दैट फोस्ट माई कज़न स्मैसुद्दीन को डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़ पेपर इन रामेश्वरम टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एंड एज इफ़ नेचुरली आई फील द स्लॉट और फिर इसी वजह से स्मैहसुद्दीन जो कि उनके कज़न थे जो रामेश्वरम में न्यूज़ पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करते थे उन्हें हेल्प की जरूरत थी पहले तो रेलगाड़ी रुकती थी ट्रेन रुकती थी तो उनको ऐसे हेल्प की जरूरत नहीं थी लेकिन अब ट्रेन रुकती नहीं थी चलती हुई गाड़ी से न्यूज़ पेपर के बंडल्स को फेंका जाता था तो इसी लिए स्मैहसुद्दीन को हेल्प की जरूरत थी और नेचुरली ये जो हेल्प थी ये जो स्लॉट था

अब्दुल कलाम की हेल्प ली न्यूज़पेपर बंडल्स उठाने में और उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में और इसी वजह से उनको पैसे मिले और यही उनकी पहली इनकम थी और जब उनको पहली अपनी इनकम मिली तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हुआ था अपनी पहली इनकम को लेकर और वो क्या कहते हैं जब वो अपनी इस बुक विंग्स ऑफ फायर को लिख रहे थे तो फिफ्टी ईयर्स इन बातों को हो चुके थे लेकिन फिफ्टी ईयर्स के बाद भी उस प्राउड को वो आज भी फील कर सकते थे ओके एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरे कैरेक्टरिस्टिक इन टू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरमेंट हु ट्रेंड इन सर्टन वेज बाई फिगर्स ऑफ द अथॉरिटीज़ वो क्या कहते हैं कि हर एक बच्चा अपने साथ कुछ इनहेरिटेड मीन्स बाय बर्थ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ गुणों को लेकर पैदा होता है और कुछ गुण जो है उनको अथॉरिटीज़ यानी कि फैमिली मेम्बर्स के द्वारा सिखाए जाते हैं जैसे सोशल सोशियो इकोनॉमिक्स यानी कि सोसाइटी में हमें किसके साथ किस तरीके से बिहेव करना है पेरेंट्स के साथ कैसा बिहेव करना है अपने बड़ों के साथ कैसा बिहेव करना है इमोशनल ये सारी चीजें जो पेरेंट्स के द्वारा सिखाई जाती है. तो आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर उन्होंने अपने फादर से क्या इनहेरिट किया अपने फादर से उन्हें क्या संपत्ति मिली कौन से गुण उन्होंने अपने फादर से सीखे ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई मदर आई इन्हेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई थ्री ब्रदर्स एंड सिस्टर और उनकी मदर से उनको जो है अच्छाई की और डीप काइंडनेस के गुण मिले यानि कि लोगों की हेल्प हमें करनी चाहिए और अच्छाई जब हम करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है ऐसा फेथ उन्हें जो है अपनी मदर से ही मिला और ये गुण सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही नहीं मिले उनके जो थ्री ब्रदर्स एंड सिस्टर्स थे उन लोगों को भी मिले आई हैड थ्री क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड रामानंद शास्त्री अरविंदम एंड शिव प्रकाशन उनके चाइल्डहुड में उनके बचपन में जो है उनके थ्री जो है बहुत ही अच्छे क्लोज फ्रेंड्स थे रामानंद शास्त्री अरविंदन एंड शिव प्रकाश ऑल दीज बॉयज वर्क फ्राम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली और ये सभी बच्चे जो हैं वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स यानी कि रिजिड हिंदू फैमिलीज से थे एस चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगेस्ट आर सेल्फ बिकॉज ऑफ आर रिलीजियस डिफ्रेंसिस एंड अप ब्रिंगिंग और एज अ चिल्ड्रन बच्चे होने की वजह से उन्हें कभी भी जो है जैसे जिस तरीके से उनकी अपब्रिंगिंग हुई थी जैसे उन तरीका जिस तरीके से उनका पालन पोषण हुआ था उन्हें कभी भी जो है रिलीजियस डिफरेंसेस अपने अंदर नहीं नज़र आई मीन्स उन्हें नहीं नज़र आया कि भाई वो जो उनके थ्री फ्रेंड्स हैं वो हिंदू हैं और अब्दुल कलाम मुस्लिम हैं मीन्स उनके पेरेंट्स ने या उनके आसपास की जो सोसाइटी थी रामेश्वरम की जो सोसाइटी थी उसमें ये चीज़ें होती ही नहीं थी कि भाई हाँ सोशल डिफरेंसेज वहाँ पर किए जाएँ इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज व सन ऑफ द पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री द हाई प्रिस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल इवन जो रामानंद शास्त्री थे वो जो है रामेश्वरम की टेम्पल के सबसे जो बड़े पुजारी थे उनके बेटे थे लेकिन फिर भी कभी उनकी फैमिली ने ये नहीं फील करवाया कि भाई हाँ अब्दुल मुस्लिम बॉय है तो तुम्हें उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए लेटर ही टुक ओवर द प्रिंस्ट हुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर और बाद में जो है रामानंद शास्त्री भी जो है रामेश्वरम के टेम्पल के जो है पृष्ठ ही बने क्योंकि उनके फादर पृष्ठ थे तो वो भी जो है पृष्ठ ही बने पुजारी ही बने अरविंदन वेंट इन टू द बिजनेस ऑफ द अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिमेज और रामेश्वरम में आने वाले जो तीर्थयात्री होते थे उनके लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज करने का बिजनेस जो है अरविंदन ने स्टार्ट किया और जो शिव प्रकाश थे वो बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदन रेलवे वो सदन रेलवे के लिए कैटरिंग कैटरिंग मतलब खाने पीने के सामान जो पहुंचाते हैं तो खाने पीने का सामान पहुंचाने वाले कॉन्ट्रैक्टर बन गए ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी आर फैमिली यूज टू अरेंज बोर्ड्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडॉल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम टेम्पल टू द मैरिज साइट और जो श्री सीताराम कल्याणम वार्षिक महोत्सव के टाइम पर उनकी फैमिली भगवान की मूर्तियों को मंदिर से मैरिज प्लेस तक ले जाने का काम करती थी वो ऐसी बोर्ड्स रेडी करते थे जिनमें एक स्पेशल टाइप का प्लेटफॉर्म लगा हुआ होता था और उस प्लेटफॉर्म पर जो है भगवान की मूर्तियां रखी जाती थी और वो जो है टेम्पल से लेकर मैरिज वाला जो प्लेस था था वहां पर उन मूर्तियों को लेकर जाया करते थे और ये जो स्थान था वो उनके घर के ही पास राम तीर्थ नाम के एक तालाब के बीच में था ओके इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रोफेट वर टू द बेड टाइम स्टोरीज माय मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आर फैमिली और उनके बेड टाइम की जो स्टोरीज होती थी यानी कि रात को सोते टाइम उनकी मदर और उनकी ग्रैंड मदर उन्हें जो है रामायण और मोहम्मद से रिलेटेड कहानियां सुनाया करती थी मीन्स हिंदू और मुस्लिम दोनों की ही कहानियां उनको सुनाया करती थी ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जो है मोहम्मद के बारे में ही बताती थी मोहम्मद जो है वो पर्सन थे जिन्होंने मुस्लिम धर्म को स्टार्ट किया था मीन्स ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मोहम्मद के बारे में बताती थी उनको रामायण के बारे में भी उनकी मदर और ग्रैंड मदर कहानियाँ सुनाया करती थी मीन्स कहीं पर भी उनको ये फील नहीं करवाया गया था कि भाई हिंदू और मुस्लिम दो रिलीजियस अलग अलग धर्म हैं वन डे वेन आई वॉज इन फिफ्थ स्टैंडर्ड एट रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल अ न्यू टीचर केम टू आर क्लास एक दिन जब वो फिफ्थ स्टैंडर्ड में थे तो रामेश्वरम के एलिमेंट्री स्कूल में उनके एक नए टीचर आए आई यूज टू वियर अ कैप विच मार्ग में एज अ मुस्लिम वो हमेशा जो है कैप पहना करते थे जो ये बताती थी कि भाई हाँ वो एक मुस्लिम है एंड आई ऑलवेज सेट इन फ्रंट रोड नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री हु वोर द सेकंड थ्रेड और वो जो है पहली रो में रामानंद शास्त्री के पास बैठा करते थे जो कि सेकर्ड थ्रेड यानी कि पवित्र धागा जिसको कहा जाता है जनेऊ वो पहना करते थे द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू पृस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय कुड नॉट स्टमक का मीनिंग होता है कुड नॉट tolerate ये जो नया टीचर था वो इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाया कि भाई एक हिंदू पृष्ठ बच्चे के पास एक मुस्लिम बॉय बैठा हुआ है इन अकॉर्डिंग विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सो इट आई वॉज आस्ट टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच अकॉर्डिंग टू द सोशल रैंकिंग जैसा कि नए टीचर को लगता था उसको लगता था कि हिंदू तो बनी हुई थी उन्होंने क्या किया? को उठाया और कहा कि तुम पीछे वाले बेंच पर बैठ जाओगे आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामानंद शास्त्री मुझे बहुत बुरा लगा और इतना ही बुरा रामानंद शास्त्री को भी लगा आई लुक द अटर्ली डाउन कास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो और डाउन कास्ट मीन सैड एंड डिप्रेस्ड बहुत ही दुखी होकर उन्होंने ने, उन्होंने रामानंद शास्त्री की तरफ देखा जब वो पीछे वाली रो पे बैठे थे द इमेज ऑन हिम विपिंग वेन आई शिफ्ट टू द लास्ट रो ला लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी और जब उन्होंने देखा कि क्या इमेज रामानंद शास्त्री की बनी हुई है फ्रेंड को जो है पीछे वाली रो में बैठा दिया गया ये चीज उनके लाइफ में लास्ट तक रही मीन्स ये इम्प्रेशन उनकी लाइफ में पूरी लाइफ उनके ऊपर रहा कि भाई हाँ हमारे एक छोटे से एरिया में रामेश्वरम छोटा सा ही आईलैंड था वहां पर सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर करते थे किसी तरह का रिलीजियस डिफरेंसेस नहीं थे बड़े और छोटे कोई भी किसी तरह के नहीं करते थे तो स्कूल we के बाद हम लोग घर गए और हमारे रिस्पेक्टिव पेरेंट्स को हमने इस घटना के बारे में इस के बारे में बताया लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर लक्ष्मण शास्त्री ने टीचर को बुलाया एंड इन आर प्रेजेंस टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट पॉइजन ऑफ द सोशल इनइक्वालिटी एंड कम कैमुअल इनटॉलरेंस इन द माइंड ऑफ द इनोसेंट चिल्ड्रन और उन्होंने हमारी ही प्रेजेंस में हमारे नए टीचर को कहा कि उन्हें कोई जरूरत नहीं है बच्चों के माइंड में सोशल इनइलिटी और सांप्रदायिक हीन भावना भरने की मीन्स ये जो इनोसेंट माइंड है इन्हें नहीं पता कि भाई धर्म क्या होते हैं क्या मुस्लिम क्या हिंदू है तो ऐसी चीजें उन्हें सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है ही ब्लंटली आस्क द टीचर टू आइदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड उन्होंने ब्लंटली मीन्स शार्पली क्लियर वर्ड्स में बोल दिया कि या तो तुम माफी मांगोगे या फिर स्कूल और आईलैंड को छोड़कर अभी चले जाओगे नॉट ओनली डिट द रिग्रेट हिज Behavior, but the strong sense of conviction Lakshman Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. उन्होंने उन्हें जो है अपने इस बिहेवियर पर रिग्रेट ही नहीं हुआ बल्कि लक्ष्मण शास्त्री ने जो ये बातें उनको बताई उन्होंने उनका ओपिनियन ही पूरी तरह से चेंज कर दिया था कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हिंदू और मुस्लिम अलग अलग हैं जैसा वो मानते थे हिंदू बड़े हैं मुस्लिम छोटे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है लक्ष्मण शास्त्री ने पूरी तरह से उनके माइंड में ये जो ओपिनियन था उसको खत्म कर दिया था ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ़ डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द होल हम कह सकते हैं कि रामेश्वरम की ये छोटी सी जो सोसाइटी थी वो ये जो डिफरेंसेस थे उनको सेग्रीगेट करने में बहुत ज्यादा थे मींस वो ऐसा कुछ भी अपने बच्चों के माइंड में नहीं भरना चाहते थे कि भाई हिंदू अलग है मुस्लिम अलग है हम सब एक ही हैं एक ही साथ मिलकर रहते हैं एक साथ वो लोग क्लासेस में जाते थे अपना खाना शेयर करते थे या सारा सब कुछ वो लोग एक ही साथ किया करते थे मीन्स उनकी फैमिली उनके समाज में ये सारी चीजें बच्चों को नहीं सिखाई जाती थी कि भाई हिंदू और मुस्लिम में किसी तरह के कोई डिफरेंसिस हैं हाउवर माई साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मीण विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ वॉज समथिंग ऑफ अ रेबल हाउ एवर उनके जो साइंस टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर बहुत ही ऑर्थोडॉक्स मीन्स पूरी तरह से रिजिड ब्राह्मण थे और उनके जो वाइफ थी वो कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव मीन्स जो अपने विचारों को बिल्कुल भी चेंज ना करना चाहिए उनकी वाइफ एक कंजर्वेटिव वाइफ थी और वो उनके रेबल थे यानी कि वो उनके बिल्कुल ऑपोजिट थे मीन्स उनकी वाइफ तो पूरी तरह से जो है ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थी वो सारे जो ब्राह्मणों के जो भी रीति रिवाज थे उनको पूरा करती थी अपनी जो किचन थी उसको पूरी तरह से सफाई करके रखती थी किसी भी मुस्लिम बॉय को या किसी मुस्लिम पर्सन को नहीं आने देती थी नॉनवेज नहीं खाया जाता था ये सारी चीजें वो करती थी और उसी के कंपैरेटिवली जो उनके साइंस टीचर थे शिव सुब्रमण्यम वो इन चीजों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड कूड मिंगल इजिली उन्होंने जो है ये जो सोशल बैरियर्स हैं यानी कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में ये जो डिफरेंसेस थे उनको ब्रेकआउट करने के अपने बेस्ट दिया उनको मतलब बहुत ज्यादा कोशिश की कि लोग जो है ऐसा कुछ भी फीलिंग अपने अंदर ना लेकर आए और सभी लोग जो है आपस में मिंगल होकर एक दूसरे के साथ मिलकर रहें चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो चाहे वो हिंदू हैं मुस्लिम हैं सिख हैं ईसाई हैं किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो सभी लोग आपस में मिलकर ही रहे

वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील एक दिन उन्होंने जो है खाने पर मुझे अपने घर इन्वाइट किया हिज वाइफ वॉज हिज वाइफ वॉज हॉरीफाइड एट दिस आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बींग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन रिचुअली प्योर किचन मीन्स कैप्टोवाटेड फ्राम ऑल द आउटसाइडर इंफ्लुएंसिस फॉर द ऑब्जर्वेंस ऑफ रिलीजियन तो उनके जो धार्मिक रूप से पूरी तरह से प्योर की गई किचन थी वो जो आइडिया उनको लगा कि भाई हाँ मुस्लिम बॉय को उनके किचन में बुलाया गया है वो आइडिया उनको एक हॉरिफाइड आइडिया लगा बहुत ही बुरा आइडिया लगा शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन उन्होंने जो है अपने किचन में मुझे खाना देने से मना कर दिया शिव सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट परट्रप्ड पर्ट्रप्ड मीन्स गुस्सा होना मीन्स शिव सुब्रमण्यम ना तो गुस्सा हुए नॉट डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ ना अपनी वाइफ के साथ गुस्सा हुए ना ही उन्होंने इस चीज़ का बुरा माना बट इन विद हिज ओन हैंड्स एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मिल इसके बजाय उन्होंने अपने हाथों से मुझे खाना सर्व किया और मेरे साथ बैठ कर ही उन्होंने खाना खाया हिज वाइफ वॉस डस्ट फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर और उनकी वाइफ हमें जो है किचन डोर के पीछे से देख रही थी आई वंडेड वेदर शी हैड ऑब्जर्व एनी डिफ्रेंसेज इन द वे आई ईट राइस ड्रेंक वाटर एंड क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील मैं ये बात सोचकर हैरान हूँ कि क्या, क्या उन्होंने कैसा कोई ऐसा डिफ्रेंस मेरे अंदर ऑब्जर्व किया कि भाई जो मेरा खाने का तरीका था जिस तरह से मैंने राइस खाए पानी पिया या फिर खाना खाने के बाद फ्लोर को क्लीन किया क्या वो तरीका मेरा जो है शिव सुब्रमण्यम से किसी अलग तरीके से था मीन्स जिस तरीके से उन्होंने खाना खाया जिस तरीके से उन्होंने जो है खाना खाने के बाद अपने फ्लोर को साफ़ किया और पानी पिया सेम उसी तरीके से अब्दुल कलाम जी ने भी किया तो क्यों जो है वो मुझे खाना नहीं देना चाहती थी या क्यों वो मेरे अंदर डिफरेंसेस देख रही थी ओके वैन आई वॉज लिविंग हिज हाउस शिव सुब्रमण्यम अय्यर इन्वाइटेड मी टू ज्वाइन फोर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड और जब अब्दुल कलाम उनके घर से निकल रहे थे तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने उन्हें नेक्स्ट वीक फिर से जो है डिनर पर इन्वाइट किया ऑब्सर्विंग माई हेजिटेशन उन्होंने देखा कि मैं हेज़िटेट कर रहा हूँ क्योंकि तो उनकी वाइफ ने तो अभी भी उनको खाना नहीं दिया था तो इसीलिए अब्दुल कलाम जो है हेजिटेट कर रहे थे तो उनके हेजिटेशन को देखते हुए उनके टीचर ने क्या कहा ही टोल्ड मी नोट टू गेट अपसेट सिंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कंफ्रंटेड वो क्या कहते हैं कि अपसेट होने की जरूरत नहीं है अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि आप इस सिस्टम को चेंज करेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम्स तो आपको आपके सामने आएंगी ही आएंगी वेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक शिव सुब्रमण्यम अयर्स वाइफ टुक मी इन साइड हर किचन एंड सर्व मी फूड विद हर ओन हैंड्स और जब वो नेक्स्ट वीक अब्दुल कलाम नेक्स्ट वीक जो है शिव सुब, शिव सुब्रमण्यम अयर के घर गए तो उनकी वाइफ जो है खुद ही उनको अपने किचन में लेकर गई और अपने हाथों से खाना भी खिलाया मीन्स शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी वाइफ को समझा दिया था कि भाई हाँ कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है हिंदू और मुस्लिम में सभी ह्यूमन बीइंग हैं सभी भगवान के द्वारा बनाए गए हैं देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट फिर जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया और इंडिया की जो फ्रीडम थी वो पूरी तरह से डिसाइडेड थी इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया डिक्लेयर गांधी जी गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि इंडियंस जो है अपना खुद का इंडिया बनाएंगे मींस जैसा इंडियंस चाहते हैं जैसा हमारा कल्चर पहले था ब्रिटिशर्स के आने से पहला पहले वैसा ही इंडिया जो है अब फिर से हम फॉर्म करेंगे द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद द अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज़्म और पूरी की पूरी कंट्री जो है ऑप्टिमिज्म मीन्स आशावाद ये जो आने वाली आशा की किरण थी इससे पूरी की पूरी कंट्री फिल्ड थी आई आस्क माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द क्वार्टर इन द रामनाथनपुरम और फिर मैंने जो है अपने फादर से पूछा परमिशन ली कि वो जो है रामेश्वरम को छोड़कर रामनाथनपुरम डिस्ट्रिक्ट में हेडक्वाटर जाकर जो है पढ़ाई करना चाहते हैं देन उनके फादर ने क्या कहा ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड उन्होंने सोचते हुए विचार करते हुए ऊंची आवाज में कहा अब्दुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रोन मुझे अब्दुल मुझे पता है कि तुम्हें अपने आप को ग्रो करने के लिए बाहर जाना होगा डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलॉन एंड विदाउट अ नेस्ट क्या एक सीगल जो है अकेला फ्लाई नहीं करता अकेला और बिना नेस्ट के नहीं रहता मीन्स वो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं सीगल एक बर्ड है जो कि सी में ही रहता है मीन्स वो क्या कहते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं है कि भाई वो हमेशा उसी प्लेस पे रहता है वो अकेला उठता है अपनी उड़ान भरता है और अपनी जर्नी को कंप्लीट करता है तो ऐसे ही तुम्हें भी जाना होगा ही कॉटिड खलील गिबरन टू माय हेजिटेंट मदर और फिर उन्होंने जो है मेरी हेजिटेंट मदर मीन्स जब अब्दुल कलाम ने बाहर जाने के लिए बोला तो उनकी मदर जो है हेजिटेट कर रही थी डर रही थी तो उनकी डरी हुई मदर को उन्होंने कहा कि खलील बिजरन के इन शब्दों में कहा कि तुम्हारे बच्चे केवल तुम्हारे बच्चे नहीं हैं ओके okay. वो दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लोंगिंग्स टू हिम इट्सल्फ वो जो है अपनी ही लाइफ के सन एंड डॉटर है यानी कि उनकी लाइफ पर उनका पूरा अधिकार है दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू वो तुम्हारे द्वारा आते हैं बट तुमसे नहीं आते हैं मीन्स तुम उनको जन्म तो दे देती हो लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा तुम्हारे पास ही बाउंड रहेंगे उन्हें अपनी लाइफ को ग्रो करने के लिए अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए जो है बाहर भी जाना पड़ेगा हायर स्टडीज भी करनी पड़ेंगी सो so, यू यू मे गिव दैम योर लव बट नॉट योर थाट तुम जो है उन्हें अपना प्यार दे सकते हो लेकिन अपने विचार नहीं हालांकि बहुत सारे ऐसे विचार थे बहुत सारे ऐसे थॉट्स थे जो उन्हें अपनी मदर से मिले थे लेकिन फिर भी उनकी मदर यहाँ पर हैजिटेट कर रही थी कि बच्चे को अकेले बाहर नहीं भेजना चाहिए तो उनके फादर उनको समझाते हुए कहते हैं कि हाँ तुम्हारे बच्चे केवल तुम्हारे नहीं हैं उनकी खुद की भी लाइफ है उनके अपने विचार हैं उन वो अपनी लाइफ को जो है आगे कैरी ऑन करना चाहते हैं तो हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए इवन उनका साथ देना चाहिए फॉर दे हैव देअर ओन थॉट क्योंकि उनके खुद के अपने विचार हैं तो उन्हें अपने विचारों के अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ को जीने देना चाहिए ओके सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर आई होप यू गॉट ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर प्लीज लेट मी नो इन दॉमेंट सेक्शन लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स थैंक यू बाय कीप लर्निंग